हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक एनालिसिस के लास्ट 14 वीडियोस में से जो 11 वीडियोस थे उनमें हमने प्लास्टिक थ्योरी को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको प्लास्टिक बेंडिंग के बारे में बताया था, उसमें आपको स्टेजेस ऑफ बेंडिंग को डिस्कस करके बताया था। फिर जो लास्ट 3 वीडियोस हैं, मतलब 12th पार्ट, 13th और 14th पार्ट में हमने मेथड ऑफ एनालिसिस को डिस्कस किया था कि अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना चाहते हैं प्लास्टिक थ्योरी के बेसिस पे, तो फिर मैंने कहा दो तरह की अप्रोच होती हैं, एक स्टैटिक अप्रोच और दूसरी काइनेमेटिक अप्रोच। मैंने प्लास्टिक एनालिसिस के 12th पार्ट में स्टैटिक अप्रोच को डिस्कस किया था, उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करके बताया था। उसके बाद जो 13th पार्ट था उसके अंदर हमने काइनेमेटिक अप्रोच को डिस्कस किया था, काइनेमेटिक मेथड को डिटेल में मैंने बताया था। और जो 14th पार्ट था उसमें हमने स्टैटिक मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखे थे। अब आगे चलते हैं और आज इस 15th पार्ट में हम काइनेमेटिक मेथड पे से हम न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करते हैं उसकी बात करते हैं। तो शुरुआत करता हूँ, सबसे पहले एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये सेम क्वेश्चन हमने स्टैटिक मेथड से किया था। स्टैटिक मेथड से हमने इस बीम के लिए, इस कंडेंस बीम के लिए कॉलेप्स लोड की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी और कंप्लीट एनालिसिस भी किया था। कंप्लीट एनालिसिस किया था मतलब मैंने हर प्लास्टिक हिंज के करस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट लोड की वैल्यू, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके बताई थी कि हर प्लास्टिक हिंज जब बनती है तो उसके करस्पॉन्डिंग लोड क्या होता है, वो हमने कैलकुलेट किया था। लेकिन आज इस काइनेमेटिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब हम डायरेक्टली कॉलेप्स लोड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो शुरुआत करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है क्या कि एनालाइज द कंडेंस बीम एज शोन इन फिगर। फॉर स्पैन ए बी एम पी की वैल्यू जो है वो 120 किलोमीटर मीटर है और इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है आई। सिमिलरली जो बी सी पोर्शन है इसके लिए प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी जो है एम पी वो है 90 किलोमीटर मीटर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है वो आई बाय 2 है। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर का, इस कंडेंस बीम का एनालिसिस हम काइनेमेटिक अप्रोच के थ्रू, काइनेमेटिक मेथड के थ्रू किस तरह से करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस बीम में कितने मैकेनिज्म पॉसिबल हैं, कितने इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म पॉसिबल हैं और कितने कंबाइंड मैकेनिज्म। तो देखिए किसी भी कंडेंस बीम के अंदर या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो नंबर ऑफ मैकेनिज्म होते हैं इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, एन इज इक्वल टू होता है एस माइनस डी एस। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म एन इज इक्वल टू होता है एस माइनस डी एस। यहाँ पे एस क्या है, यहाँ पे एस नंबर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन होते हैं और डी एस मतलब स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती है उस स्ट्रक्चर की। ठीक, अब इस बीम के अंदर, इस कंटीन्यूअस बीम के अंदर जो एस की वैल्यू है, नंबर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन जो हैं वो हैं 6। ठीक, कौन कौन से 6 सेक्शंस हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हैं, वो ए डी ई सी, चार तो ये हो गए और बी के जस्ट लेफ्ट और बी के जस्ट राइट। क्यों, क्योंकि बी के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट पे मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी अलग अलग है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग है। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे जो क्रिटिकल सेक्शंस बोले वो 6 हो गए। क्लियर, अब आगे चलते हैं और डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात करते हैं। तो देखिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो देखिए ये फिक्स एंड है, फिक्स एंड विल प्रोवाइड 3 सपोर्ट कंडीशंस, 3 सपोर्ट रिएक्शंस और इसी तरह से ये भी मतलब 6 हो गए। ठीक, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी इंड्यूस नहीं होगी, तो फिर नंबर ऑफ अननोन 2 और नंबर ऑफ अननोन 2 4 हो गए और एक ये जो रोलर सपोर्ट है ये भी एक सपोर्ट रिएक्शन इंड्यूस करेगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ अननोन हो गए 5 और अवेलेबल इक्वेशन है 2, सिग्मा एम इक्वल टू 0 एंड सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। ठीक, मींस दिस स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू 30 डिग्री। तो डीएस की वैल्यू हो गई 3, ये लिख दिया मैंने। क्लियर, अब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितने होंगे, वो एन इज इक्वल टू हो जाएगा ये 6 माइनस 3, एस माइनस डी एस करना है आपको वो कर दीजिए। ठीक, मतलब एन इज इक्वल टू हो गया 3, मतलब इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म पॉसिबल हैं वो है 3।
इन थ्री मैकेनिज्म में से दो बीम मैकेनिज्म होंगे और एक जॉइंट मैकेनिज्म होगा, क्योंकि एक ही जॉइंट है बी, तो इसके कारण एक मैकेनिज्म होगा और दो बीम मैकेनिज्म पॉसिबल होंगे क्योंकि दो पॉइंट पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। क्लियर। अब जब मुझे ये पता चल गया कि तीन इस पे इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हैं, तो फिर इस जॉइंट बी पे जो जॉइंट मैकेनिज्म बनेगा वो दो कंबाइंड मैकेनिज्म इंड्यूस करेगा, मतलब उसके कारण दो कंबाइंड मैकेनिज्म बनेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो जो चार मैकेनिज्म हैं उनको यहाँ पे शो कर दिया। ठीक, कौन कौन से, कि ए बी में जो बी मैकेनिज्म बनेगा उसको इस फिगर से शो किया बी से, उसके बाद जो बी सी पोर्शन में बी मैकेनिज्म बनेगा उसको ये सी फिगर से शो कर दिया, और जॉइंट बी पे जो मैकेनिज्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक, मतलब इस के कारण जो जॉइंट बी दो बीम को कनेक्ट करता है उसके कारण कंबाइंड मैकेनिज्म बनेंगे। तो कौन कौन से कंबाइंड मैकेनिज्म बनेंगे, एक इस तरह का बन सकता है और दूसरा इस तरह का कंबाइंड मैकेनिज्म बन सकता है। क्लियर, मतलब ये जो फोर मैकेनिज्म हमने ड्रॉ किए इनके लिए कोलैप्स लोड की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, और फिर इन चार मैकेनिज्म में से जो मैकेनिज्म हमें सबसे कम लोड देगा वही एक्चुअल और ट्रू कोलैप्स लोड होगा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम स्पैन ए बी की बात करते हैं कि स्पैन ए बी पे कोलैप्स की लोड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो चलिए हम जानते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क से क्या होगा ये लोड, इस लोड ने कितना वर्क किया, तो W इंटू ये डेल्टा D। ठीक है, डेल्टा D ये वर्क डन हो गया, वर्क डन ड्यू टू दिस लोड। और यहाँ पे जो थ्री प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई हैं कहाँ कहाँ पे, A पे, D पे और B के जस्ट राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, B के जस्ट राइट पे मैंने बनाया। क्लियर, तो अब इन तीन प्लास्टिक हिंज, ये तीन प्लास्टिक हिंज कितना वर्क एब्जॉर्व करेंगी, ठीक उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, ये इसका प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कितनी है 120 ए पॉइंट की, और यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, डेल्टा डी अपॉन 6। ये समझ में आया कैसे निकाला, ये डेल्टा डी है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है 6, तो डेल्टा डी बाय 6 ये एंगल हो गया, और इसी तरह से डेल्टा डी बाय 4 ये एंगल हो गया, और इन दोनों एंगल का समीशन ये हो गया। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं ये बी पॉइंट की, तो ये बी पे क्या होगा, 90 आएगा, 90 इंटू डेल्टा डी अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब इस डी पॉइंट पे जो प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई उसके कारण कितना वर्क एब्जॉर्ब करेगी वो हिंज, उसकी बात और कर लेते हैं, तो 120 इंटू, अब देखिए ये थीटा प्लस थीटा वन लिखना है आपको, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा डी अपॉन 6, डेल्टा डी अपॉन 6 आएगा प्लस डेल्टा डी अपॉन 6 प्लस डेल्टा डी अपॉन 4। ठीक है, ये समीशन हो गया। अब यहाँ से डेल्टा डी सब में से हटा दीजिए। ठीक है, तो W इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 120 प्लस 120 बाय 6 प्लस 90 बाय 4 प्लस 120 और इधर 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 4। ठीक है, और यहाँ से जब W को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 92.5 किलो न्यूटन। ठीक, मतलब फर्स्ट मैकेनिज्म से जो आपको लोड की वैल्यू मिलेगी, कोलैप्स लोड की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 92.5 किलो न्यूटन। ठीक है, और जब मैंने आपको स्टैटिक मेथड बताया था तब आपको बेंडन डायग्राम से कैलकुलेट करके बताया था इस स्पैन ए बी के लिए कोलैप्स लोड की वैल्यू, और वो भी सेम आई थी। क्लियर, अब बी सी स्पैन की बात करते हैं, मतलब सेकेंड बीम मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो देखिए सेकेंड बीम मैकेनिज्म में जो तीन प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगी वो कहाँ कहाँ होंगी, एक सी पॉइंट पे, एक ई पॉइंट पे और एक बी के
जस्ट राइट पे, मतलब जो तीन प्लास्टिक इंच फॉर्म होंगी उनकी पोजिशंस ये होगी। ठीक, अब हम जानते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, लोड जो वर्क करेगा या लोड के कारण जो वर्क डन होगा वो कौन एब्जॉर्व करेगा, ये जो तीन प्लास्टिक हिंज हैं ये उस वर्क को एब्जॉर्व करेगी। ठीक, मतलब जो आपके पास में इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या होगी, 2W इंटू डेल्टा ई, ये वर्क डन बाय दिस लोड हो गया और वर्क एब्जॉर्ब बाय दिस थ्री प्लास्टिक हिंज जो होंगी उनकी बात करते हैं। तो देखिए वर्क एब्जॉर्ब बाय हिंज क्या होता है, MP मतलब मोमेंट इंटू थीटा। ठीक, और इस थीटा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा ई अपॉन थ्री, ये डेल्टा ई, ये डिस्टेंस थ्री, मतलब ये जो थीटा की वैल्यू हो गई ये डेल्टा ई बाय थ्री हो गई। इसी तरह से ये थीटा वन है, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ई बाय टू। ठीक है, तो चलिए प्लस इस सी हिंज के लिए लिख लेते हैं, ये भी 90 इंटू डेल्टा ई अपॉन टू। ठीक है, अब ये जो ई पॉइंट पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई इसकी बात और करते हैं कि ये कितना वर्क एब्जॉर्ब करेगी। तो 90 इंटू, अब देखिए यहाँ पे जो रोटेशन है इस हिंज पे वो कितना है, थीटा प्लस थीटा वन, इन दोनों एंगल्स का समीशन। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी डेल्टा ई अपॉन थ्री प्लस डेल्टा ई अपॉन टू, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा ई सब जगह से हटा दीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा, 2W इज इक्वल टू 90 बाय 3 प्लस 90 बाय 2 प्लस 90 और ब्रैकेट के अंदर 1 बाय 3 प्लस 1 बाय। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 30 प्लस 45 प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 90 इंटू, यहाँ पे हो गया 6, ऊपर हो गया 5। ठीक है, और इधर लिख लीजिए 2W, इसको सॉल्व कर लीजिए तो W इज इक्वल टू आएगा 75 किलो न्यूटन। यहाँ तक क्लियर, सीधी सी बात यह है कि इस सेकंड मैकेनिज्म से जो लोड की वैल्यू मिली उस लोड की वैल्यू को हमने बोल दिया कि वो होगी 75 किलोमीटर, और जब हमने इसको स्टैटिक मेथड से किया था तो फिर इस स्पैन के लिए जब बेनी डायग्राम ड्रॉ करके आपने कॉलेज लोड की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो भी 75 ही आई थी। ठीक, अभी हमने डिस्कस किया था कि इस कंडेंस बीम के अंदर तीन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म पॉसिबल हैं, उन तीन मैकेनिज्म में से दो बीम मैकेनिज्म जो आपने डिस्कस किए थे उन दोनों मैकेनिज्म के लिए हमने कॉलेज लोड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, लेकिन जो जॉइंट मैकेनिज्म था उससे क्या होगा हम उसकी बात और करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस डी फिगर में उस बी पे जो जॉइंट मैकेनिज्म बन रहा है उसको शो किया है। ठीक है, अब इस जॉइंट मैकेनिज्म के कारण क्या होगा वो देखिए, उसको मैंने यहाँ पे लिखा कि जॉइंट मैकेनिज्म मे बी यूज टू कंबाइन द टू बीम मैकेनिज्म टू ऑब्टेन द कंबाइंड मैकेनिज्म, कि ये जो जॉइंट मैकेनिज्म है ये क्या करता है, ये जो दो बीम मैकेनिज्म हैं उनसे हमें एक कंबाइंड मैकेनिज्म देता है। ठीक, अब यहाँ पे दो तरह के कंबाइंड मैकेनिज्म पॉसिबल हैं तो उन दोनों कंबाइंड मैकेनिज्म के लिए हम कॉलेप्स लोड की वैल्यू और कैलकुलेट करते हैं। ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि प्लास्टिक हिंज एट बी इज इलिमिनेटेड बाय इक्वेटिंग द वर्चुअल रोटेशंस ऑफ सेगमेंट बी डी, मतलब ये बी डी और बी ई, इस पे जो रोटेशंस हुए उसके कारण उस बी जॉइंट पे जो प्लास्टिक हिंज बन रही थी वो इलिमिनेट हो गई। ठीक, इसके कारण अब जो कंबाइंड मैकेनिज्म होगा उस पर आपको चार प्लास्टिक हिंज मिलेंगी, और वो चार प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ मिलेंगी वो देखिए, ए पे, डी पे, इस ई पे और सी पे। ठीक है, तो ये चार प्लास्टिक हिंज मिली किसमें, कंबाइंड मैकेनिज्म, इसको मैंने बोल दिया ई, और दूसरे कंबाइंड मैकेनिज्म को बोल दिया मैंने ये एफ फिगर से शो किया। ठीक, तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम कंबाइंड मैकेनिज्म ई की बात करते हैं
कि इस मैकेनिज्म के लिए कॉलेप्स लोड की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे ये दो लोड लगे हुए हैं, तो इन दोनों लोड के कारण वर्क डन की बात करते हैं। तो देखिए ये ध्यान रखना कि डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव लेंगे और ये अपवर्ड जो लग रहा है इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो चलिए वर्क डन बाय दिस लोड मीन्स प्लस डब्ल्यू इंटू डेल्टा डी और इस 2W के कारण नेगेटिव लेना, तो माइनस 2W इंटू ये 0.75 डेल्टा डी, ठीक है। अब ये 0.75 कहाँ से आया, तो देखिए ये डेल्टा डी है, ठीक है। इस पॉइंट डी पे जो डिस्प्लेसमेंट है इस लोड के कारण उसे आपने डेल्टा डी बोला, तो ये एंगल डेल्टा डी बाय 4 हो गया क्योंकि ये डिस्टेंस 4 थी और जो एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, ठीक है। मतलब इसको मैंने डेल्टा डी बाय 4 बोल दिया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस 4 मीटर थी, ये डिस्टेंस 4 मीटर थी, ठीक, और ये डिस्टेंस है 3 मीटर, क्लियर, एंगल सेम है। तो फिर 4 मीटर डिस्टेंस पे अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा डी, तो 3 मीटर पे हो जाएगा 0.75 डेल्टा डी, क्लियर। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैंने कहा ये दोनों एंगल बराबर हैं और 4 मीटर डिस्टेंस पे अगर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी है तो फिर 3 मीटर पे जो हो जाएगा वो 0.75 डेल्टा डी हो जाएगा, क्लियर। अब वर्क एब्जॉर्ब बाय द हिंज की बात करते हैं, तो देखिए ए पे जो वर्क एब्जॉर्ब होगा उसकी बात करते हैं। ए पे जो प्लास्टिक हिंज है उसकी मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, एम पी की वैल्यू 120 हो गया इंटू डेल्टा डी अपॉन 6, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस 6 थी तो ये एंगल जो हुआ वो डेल्टा डी बाय 6 हो गया। अब इस डी पॉइंट पे ये किसके कारण है, ये ए प्लास्टिक हिंज के कारण। अब ये जो डी पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई इस पे भी वैल्यू 120 है, ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा होगा वो इस थीटा और इस थीटा वन का समीशन होगा, मतलब डेल्टा डी अपॉन 6 प्लस डेल्टा डी अपॉन 4, ठीक है, ये हो गया किसके कारण, ये प्लास्टिक हिंज जो डी पॉइंट पे है उसके कारण हुआ, क्लियर। अब ये जो दो प्लास्टिक हिंज बची हैं इनके कारण हम वर्क एब्जॉर्ब बाय द हिंज की बात और कर लेते हैं। तो जो ई पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई उसके कारण क्या होगा, प्लस 90 इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल है वो ये एंगल और इस एंगल का समीशन होगा, मतलब डेल्टा डी अपॉन 4 प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन 8, ठीक है। अब ये 3 डेल्टा डी बाय 8 कहाँ से आया, देखिए ये 0.75 डेल्टा डी, ठीक, तो इसको मैं 3/4 डेल्टा डी लिख लूँ और ये डिस्टेंस है 2, समझ में, मतलब 3/4 डेल्टा डी अपॉन 2, तो वो हो जाएगा 3 डेल्टा डी बाय 8, क्लियर। अब एक लास्ट प्लास्टिक हिंज बची सी पॉइंट पे, तो इसको और लिख लेते हैं, प्लस ये किसके कारण था, ये ई के कारण था, और यहाँ पे जो सी पे प्लास्टिक हिंज है उसके कारण भी 90 होगा इंटू 3 डेल्टा डी अपॉन 8, ठीक। तो वर्क एब्जॉर्ब बाय दिस प्लास्टिक हिंज जो हो गया वो ये हो गया, ये कौन सी प्लास्टिक हिंज है, सी पॉइंट पे जो बनी वो है, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो डेल्टा डी है सब जगह से कैंसिल कर दीजिए और इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये डेल्टा डी सब में से हटा दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, W और ये कितना है, 2 इंटू 0.75 मतलब 1.5, मतलब यहाँ से जो वैल्यू बची वो आ गई माइनस W बाय 2 विच इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना है, 120 बाय 6 मतलब 20 प्लस 120 इंटू ये कितना है 1/6 प्लस 1/4, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, प्लस 90 इंटू 1/4 प्लस 1/8 3/8 सॉरी, ठीक है, और इधर क्या होगा, प्लस 90 इंटू 3/8,
क्लियर। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो W इज इक्वल टू आएगा -320 किलो न्यूटन। समझ में आया यहाँ तक? मतलब इस मैकेनिज्म के करस्पॉन्डिंग, इस कंबाइंड मैकेनिज्म के करस्पॉन्डिंग जो कॉलेज लोड की वैल्यू है वो है -320 किलो न्यूटन। क्लियर। अब एक मैकेनिज्म जो F है इसकी की बात और कर लेते हैं। तो अब लिख देता हूँ कंबाइंड मैकेनिज्म F। इस F मैकेनिज्म के कारण जो कॉलेज लोड की वैल्यू होगी उसकी बात और करते हैं। तो यहाँ पे भी 4 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी क्योंकि B पॉइंट पे जो प्लास्टिक हिंज थी वो एलिमिनेट हो गई। वो मैंने बताया कि क्यों एलिमिनेट हो गई। ठीक है। अब जो 4 प्लास्टिक हिंज हैं उनकी बात करते हैं। तो वो कहाँ कहाँ पे हैं? A पे, D पे, E पे और C पे। जैसा यहाँ था बिल्कुल वैसे ही है। बस अंतर क्या है इस मैकेनिज्म और उस मैकेनिज्म में? जो अंतर है वो डिस्प्लेसमेंट का है। देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड था, यहाँ अपवर्ड था, और यहाँ पे अपवर्ड हो गया, वो डाउनवर्ड हो गया। तो इसके कारण क्या फर्क पड़ेगा हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? ये माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे माइनस डब्ल्यू इंटू डेल्टा डी लिख सकता हूँ। देखिए वहां से। और इसके लिए क्या लिखोगे? प्लस 2W इंटू 0.75 डेल्टा डी। समझ में आया? यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू इंटू डेल्टा डी। ठीक है, इधर, और उस 2W के लिए ये लिख सकते हैं। क्लियर। अब जॉइंट ए पे जो प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई उसके कारण जो वर्क एब्जॉर्ब बाय दिस प्लास्टिक हिंज होगा वो ये होगा। उसी तरह से डी पे भी सेम क्वांटिटी मिलेगी, ई पे भी सेम क्वांटिटी मिलेगी, और सी पे भी सेम क्वांटिटी मिलेगी। ठीक, क्योंकि प्लास्टिक हिंज चारों पॉइंट पे फॉर्म हो रही हैं, एंगल्स भी वही हैं। मतलब जो वर्क एब्जॉर्ब बाय दीज 4 प्लास्टिक हिंज होगा वो सेम होगा, मतलब यही होगा। ठीक है। बस जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो आंसर में जो चेंज होगा वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर। मतलब इस कंबाइंड मैकेनिज्म से जब आप कॉलेज लोड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे वाई की डब्ल्यू इज इक्वल टू +320 किलो न्यूटन। समझ में आया? मतलब जो हमने अभी 4 मैकेनिज्म डिस्कस किए, ये बी, सी, ई और ये एफ, जो डी है वो जॉइंट मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है लेकिन उसके कारण कंबाइंड मैकेनिज्म हमें मिले, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है। मतलब ये जो 4 मैकेनिज्म आपने देखे, 2 बीम मैकेनिज्म, 2 कंबाइंड मैकेनिज्म, इन चारों मैकेनिज्म में जो लोड की वैल्यू है वो सबसे कम किस मैकेनिज्म के लिए थी? वो इस बी सी मैकेनिज्म के लिए थी, और उसकी वैल्यू थी 75 किलो न्यूटन। और हम अपर बाउंड थ्योरी से जानते हैं कि जो मैकेनिज्म सबसे कम लोड देगा वही ट्रू या एक्चुअल कॉलेज लोड होता है। क्लियर। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए जो कॉलेज लोड की वैल्यू होगी वो 75 किलो न्यूटन होगी। क्लियर। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जनरली जो कंबाइंड मैकेनिज्म होते हैं उनसे हमें जो कॉलेज लोड की वैल्यू मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। ठीक। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैंने क्या लिखा? इन द केस ऑफ कंटीन्यूअस बीम द कंबाइंड मैकेनिज्म आर जनरली नॉट क्रिटिकल। कि जो कंबाइंड मैकेनिज्म होते हैं वो क्रिटिकल नहीं होते जनरली, कभी हो सकते हैं। वो किस कंडीशन में होंगे? वो लिखा मैंने कि अनलेस द फुल प्लास्टिक मोमेंट एट एन इंटीरियर सपोर्ट इज मच ग्रेटर देन द फुल प्लास्टिक मोमेंट नियर मिड स्पैन्स ऑफ द ऑफ दीज टू स्पैन। ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस जॉइंट पे, बी जॉइंट पे जो एम पी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, किससे? जो मिड स्पैन है, ये वाला स्पैन और ये स्पैन, दोनों स्पैन में जो मिड स्पैन है उन पे जो एम पी की वैल्यू है उससे अगर बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि कंबाइंड मैकेनिज्म से जो लोड आप कैलकुलेट करें वो ट्रू या एक्चुअल कोलैप्स लोड हो। अदरवाइज ये ध्यान रखिएगा कि कंबाइंड मैकेनिज्म से जनरली जो कॉलेज लोड की वैल्यू मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है बीम मैकेनिज्म या जॉइंट मैकेनिज्म के कंपैरिजन। मतलब सीधी सी बात है कि इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म के कंपैरिजन में जो कंबाइंड मैकेनिज्म होते हैं उनसे कॉलेज लोड की वैल्यू ज़्यादा मिलती है। क्लियर। अब प्लास्टिक एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में
मतलब 16th वे पार्ट में हम काइनेमेटिक मेथड पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल और सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू।